नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मित्रों, चंद्र राशि पर आधारित आपका साप्ताहिक राशिफल की बात करने जा रहे हैं। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये 7 दिनों में आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकती हैं? ये 7 दिनों में लव, स्वास्थ्य और कैरियर की स्थिति कैसी रहेंगी, साथ ही ये सप्ताह किस तरह से प्लान करें ताकि सप्ताह खास बने, जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। धनु राशि जातकों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में एक दूसरे का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था तो ये सप्ताह आपका खत्म होगा, वह समाप्त होगा। धनु राशि जातकों, विदेश यात्रा का भी योग आपके लिए इस सप्ताह शुभ लाभदायक रहेगा, और अगर वाहन खरीदने का भी सपना देख रहे हैं तो ये सप्ताह आपका पूर्ण हो सकता है और उसे आप पूरा कर सकती हैं। ये सप्ताह वाहन, प्रॉपर्टी आदि का भी खरीद बिक्री करने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये सप्ताह आपको हर तरह से फायदा होगा, सप्ताह आपके लिए लाभदायक है। ये सप्ताह नए कार्य की भी शुरुआत आपके लिए लाभदायक रहेगा, काम में आपको मन लगेगा, काम आपका आगे बढ़ेगा। अगर सोने पित्तल की व्यापारी कर रहे हैं तो उसमें इस सप्ताह फायदा हो सकता है। अगर लकड़ी फर्नीचर का भी कोई काम कर रहे हैं उसमें इस सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, उन्हें इस सप्ताह बहुत फायदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में उन्हें अधिक से अधिक मन लगेगा और उन्हें किसी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। छात्रों के लिए कुल मिलाकर ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। धनु राशि जातकों, अगर पहले से आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति थी तो वह इस सप्ताह दूर हो सकता है और इस सप्ताह आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना बहुत अधिक है और इस सप्ताह आप तंदुरुस्ती महसूस करेंगे, इसलिए आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करें। और इस सप्ताह द्वितीय भाव में शनि ग्रह की युति होने से किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद कर सकती हैं। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार देखने को मिल सकता है और सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार छठे भाव यानी वृषभ राशि का राहु आपके स्वास्थ्य में या माता पिता के स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव बनाए रखेगा। इससे आप पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी योजना बना सकती हैं, जो कि योजना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इस सप्ताह घर परिवार में चल रहा कोई मामला आपके कार्य को बाधित कर सकता है, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा में कमी देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण रखते हुए उसमें सुधार करने की सलाह दी जाती है। धनु राशि जातकों, इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ये समय शुभ रहेगा, उन्हें इस समय फायदा हो सकता है। हालांकि इसके लिए उनको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें और उसके बाद ही किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करें, अन्यथा आपके लिए समस्या हो सकती है और आप परेशानी में भी पड़ सकती हैं। धनु राशि जातकों, अगर आपके लिए उपाय की बात करें
तो भैरव चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे आपकी सभी कष्ट और समस्या दूर होगी। धनु राशि जातकों, तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। अगर जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।